नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सियाराम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 और 2003 के एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। वर्तमान में हमारे मॉडल पेपर्स चल रहे हैं, इसके 7 मॉडल पेपर हम पढ़ चुके हैं और 8वां मॉडल पेपर अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम 9वां मॉडल पेपर दोपहर को 12 बजे लेकर आएंगे और 10वां मॉडल पेपर शाम को लेकर आएंगे। शाम को 8 बजे 10वां मॉडल पेपर आएगा। दोस्तों, ये 10 मॉडल पेपर हम आपके इस कॉपरेटिव एग्जाम के लिए लेके आए हैं। परसों यानी कि 17 तारीख को सभी का एग्जाम है। मेरी सभी के लिए, आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, सभी को सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है। आइए शुरू करते हैं 8वें नंबर का मॉडल पेपर। अभी तक आपने अगर 7 मॉडल पेपर नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए 7 मॉडल पेपर्स को। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियोस के नीचे लाल दी हुई लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। घंटे वाले आइकॉन को भी दबा दें नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियोस को लाइक भी करें हमें मोटिवेट करने के लिए। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। हाँ जी, वर्तमान राजस्थान में कितने भूमि विकास बैंक हैं? पहला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने भूमि विकास बैंक हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए 36 भूमि विकास बैंक हैं वर्तमान में राजस्थान के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करना पड़ता है, किसके पास आवेदन करना पड़ता है? सरकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने के लिए आवेदन किसके पास करना पड़ता है? तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हो या नाम में परिवर्तन कराने के लिए हो, आवेदन रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ पे करना होता है। रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन करना होता है नाम में परिवर्तन के लिए, धारा 9 के अंतर्गत नाम परिवर्तन की किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाम मात्र के सदस्य का अधिकार नहीं होता है। नाम मात्र के सदस्य का अधिकार किस चीज का नहीं होता है? मत देने का अधिकार नहीं होता है, अंशों पर अधिकार नहीं होता है, या उपरोक्त दोनों? दोस्तों ये दोनों सही है। उपरोक्त दोनों पर जो है नाम मात्र के सदस्यों का अधिकार नहीं होता है, ना तो मत देने के अधिकार पर होता है, नहीं तो वोट दे सकता है वो, और ना ही अंशों का हकदार है यानी कि शेयर पूंजी में उसके प्रॉफिट में किसी तरह का हक रखता है। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन के लिए आवश्यक समय है। तो सहकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन कराने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि 1 माह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य है वह दीर्घकालिक उधार के लिए बैंकों में आवेदन करता है तो उस पर प्रभार होगा, किस प्रकार का प्रभार होगा? ऑप्शन है अमूर्त संपत्तियों पर, चालू संपत्तियों पर, स्थायी संपत्तियों पर, और 3 ही ऑप्शन रह गए इसमें। बताइए, 3 ऑप्शंस में से एक आंसर है, क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्थायी संपत्तियों पर। दोस्तों, स्थायी संपत्तियों के अगेंस्ट ही दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण स्थायी संपत्तियों के अगेंस्ट में दिया जाता है। पहले स्थायी संपत्ति मॉर्गेज की जाती है, उसके बाद ही दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी शीर्ष सोसाइटी को जिसे धारा 44 के अधीन सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाया गया है, उस धन का एक कोष
का निर्माण करेगी, वो सोसाइटी उस धन से एक कोष का निर्माण करेगी, तो कौन से कोष का निर्माण करेगी? अगर किसी सीड सोसाइटी को सरकार द्वारा धन दिया गया है तो वह कौन से कोष का निर्माण करेगी? तो वह मुख्य राज्य भागीदारी निधि का निर्माण करेगी, या समानुषंगी राज्य भागीदारी निधि का निर्माण करेगी, या उपर्युक्त दोनों का करेगी? तो उपर्युक्त दोनों का निर्माण करेगी, दोनों कोषों का निर्माण जो है वो शीर्ष सोसाइटी करेगी। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी अपने शुद्ध लाभों पर अधिकतम कितने प्रतिशत तक सहकारी आंदोलन से संबंधित कार्यों के लिए प्रदत्त कर सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 10%। 10% तक खर्चा वो सहकारी आंदोलनों के लिए कोई भी सोसाइटी कर सकती है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन कराया था हमने, ये वाला। इस क्वेश्चन में कहा गया था सोसाइटी का सदस्य जो दीर्घकालीन उधार लेता है। दोस्तों दीर्घकालीन उधार किसे कहते हैं? कितने लंबे समय के लिए वो उधार लिया जाए जो कि दीर्घकालीन उधार कहलाएगा? तो दोस्तों दीर्घकालीन उधार 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जो उधार लिया जाता है, पैसा जिसका चुकतारा 5 वर्ष से अधिक समय में किया जाता है, वो दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। और मध्यकालीन या अल्पकालीन या मध्यकालीन तो कौन से होते हैं? जो अल्पकालीन ऋण होता है वो 18 माह तक की अवधि के लिए होता है, अधिकतम 18 माह की अवधि में चुकाना होता है। और जो मध्यकालीन ऋण होता है वो 18 माह से लेके 5 वर्ष की अवधि तक का होता है। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा लिखित मंजूरी देने पर सहकारी बैंक पर वाद दायर किया जा सकता है, वाद दायर कर सकती है या नहीं? तो दोस्तों आरबीआई के द्वारा मंजूरी देने पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है, कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है। उत्तर होगा नहीं किया जा सकता है। अगला ऑप्शन, सहकारी अधिनियम में कोई व्यक्ति कितने शेयर धारण कर सकता है? 100, 200, 300 या कुल शेयरों का 1/5? तो दोस्तों कोई भी सहकारी अधिनियम के अनुसार कोई भी एक व्यक्ति सोसाइटी के कुल शेयरों का अधिकतम 1/5%, 1/5, अधिकतम 1/5 या 20% कुल शेयर धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की संपत्ति का दायित्व किस धारा के अंतर्गत आता है? तो भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की संपत्ति का जो दायित्व है वो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये धारा 23 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी सोसाइटी जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि उपज का विपणन और कृषि उत्पादन के लिए उपकरणों वह अन्य अपेक्षित वस्तुओं का को प्रदान करना तथा कम से कम 3/4 कृषक अथवा कृषक सोसाइटी, कृषक सदस्य हो अथवा कृषक सोसाइटी कहलाती है। तो इस तरह की कृषक सोसाइटी जिसमें 3/4 सदस्य कृषक हो, यानी कि 75% कृषक ही कृषक हो उसके अंदर, तो ऐसी सोसाइटी क्या कहलाती है जिसमें 75% कृषक हो, कृषि उपज का विपणन का कार्य करती हो, कृषि उत्पादन और उपकरणों के लिए ऋण प्रदान करती हो, या उनको प्रदान करने के लिए करने में कृषकों की मदद करती हो, तो ऐसी सोसाइटियों को कृषि विपणन सोसाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि विपणन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, धारा 13 की उपधारा 2 के अंतर्गत समस्त सुझावों पर अंतिम आदेश जारी कौन करेगा? तो दोस्तों अंतिम आदेश जारी करने वाला रजिस्ट्रार महोदय हैं, रजिस्ट्रार के द्वारा ही अंतिम आदेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, सदस्यता समाप्त नहीं होगी
कब सदस्यता समाप्त नहीं होगी? तो दोस्तों सदस्यता समाप्त नहीं होगी कब? जब सदस्य की मृत्यु हो जाएगी तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्य निर्धन हो जाने पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी। सदस्य के निर्धन हो जाने पर सदस्यता समाप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न, सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सदस्य होना मान लिया जाएगा। कोई भी सोसाइटी के अंदर सदस्य बनने के लिए आवेदन करता है तो उसे आवेदन करने के कितने दिन बाद माना जाएगा कि वो सोसाइटी का सदस्य है? तो आवेदन पत्र स्वीकार होने की तारीख से ही मान लिया जाएगा। जिस दिन उसका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा उसी दिन से उसे सोसाइटी का सदस्य मान लिया जाता है। सील किए गए और आधान में सुरक्षित रखे गए समस्त मतपत्रों और निर्वाचन सामग्री मतदान की तारीख से कितनी अवधि तक सुरक्षित रखी जाती है? तो दोस्तों ये 3 माह तक सुरक्षित रखी जाती है। 3 माह का मतलब हुआ 90 दिन तक। अगला प्रश्न, किस धारा के अंतर्गत सोसाइटी की पुस्तकों, लेखा दस्तावेजों व अन्य संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सकता है? तो किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? दोस्तों धारा 31 के अंतर्गत किसी भी सोसाइटी की पुस्तकों और लेखों का अधिग्रहण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लेखाओं के वार्षिक वितरण किस आधार पर तैयार किए जाते हैं? तो लेखाओं के वार्षिक वितरण जो तैयार किए जाते हैं पिछली सहकारी वित्त वर्ष के दौरान प्राप्तियां, यानी कि पिछली आउटस्टैंडिंग, कुल मिला के पिछले वर्ष की आउटस्टैंडिंग ली जाती है। इस वर्ष का लाभ और हानि का लेखा जो भी होता है वो लिया जाता है। वर्ष की समाप्ति का तुलना पत्र लिया जाता है, बैलेंस शीट ली जाती है। ये सभी जो है लेखे तैयार करने की विधियां हैं और लेखे तैयार किए जाते हैं इस तरीके से। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, राज्य सहायता प्राप्त करने वाली कोई सोसाइटी किसके अनुमोदन से सोसाइटी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है? तो अनुमति रजिस्ट्रार महोदय की ही चाहिए। रजिस्ट्रार महोदय की अनुमति से वो जो है सीईओ की नियुक्ति कर सकती है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। देश का पहला सहकारी सोलर पार्क प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? बताइए देश का पहला सहकारी सोलर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है गंगानगर के अंदर। गंगानगर में सहकारी क्षेत्र में सोलर प्लांट तो बहुत स्थापित हुए हैं पहले इससे, लेकिन सहकारी क्षेत्र में पहला सोलर प्लांट श्री गंगानगर के अंदर लगा है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्य में कितनी महिला नागरिक सहकारी बैंक हैं? महिला नागरिक सहकारी बैंक कितनी है वर्तमान में राजस्थान के अंदर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 महिला सहकारी बैंक हैं वर्तमान में राजस्थान के अंदर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कि जीके के प्रश्नों की तरफ। तो जीके के प्रश्न सॉल्व करें उससे पहले मैं बता दूं, अब तक के हमारे आपको पीडीएफ सारे मिल गए होंगे। अब तक हम ये 8वां मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। 7वां मॉडल पेपर्स के आपको पीडीएफ मिल गए होंगे। इनके पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इनके पीडीएफ मिल जाएंगे। और इनके जो पीडीएफ मिलेंगे जीके वाले क्वेश्चंस के आंसर उस पीडीएफ में नहीं होंगे, वो आंसर्स के लिए आपको वीडियो देखना होगा। वीडियो देख के उसका आंसर ले सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। कुछ लोग अभी पुराने एमसीक्यूज के भी
वो मांग रहे हैं पीडीएफ दे दो साहब एमसीक्यू के, उनके मैसेज आते हैं, उनके फोन आते हैं कि पीडीएफ एमसीक्यूज के पीडीएफ दे दो, पहले एमसीक्यू का पीडीएफ दे दो, दूसरे एमसीक्यू का दे दो, पहले मॉडल पेपर का पीडीएफ उपलब्ध नहीं मिला है हमें। तो वो सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वो पीडीएफ ले लें, तमाम पीडीएफ पड़े हैं वहाँ पर, हर किसी के पीडीएफ पड़े हैं, हर किसी चीज़ के, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हैं उन सबके जो है पीडीएफ वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाके उन सबके पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक ठोक दें वीडियो पे। आइए चलते हैं जीके के पहले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक इंडस्ट्री है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक एरिया है? तो दोस्तों ये इंद्रप्रस्थ औद्योगिक एरिया जो है कोटा के अंदर है, कोटा इसका सही उत्तर है, ये वाला क्वेश्चन कोटा। अगला प्रश्न, राजस्थान देश में का एकमात्र उत्पादक है, तो राजस्थान में बहुत सारे खनिज ऐसे मिलते हैं जिनका राजस्थान में एकमात्र उत्पादक है, एकाधिकार है, तो एकाधिकार वाले खनिज सोना नहीं हो सकता है, टंगस्टन भी नहीं है, जैस्पर, सीसा, जस्ता, वालस्टोन, ये है सी नंबर का ऑप्शन है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है इन खनिजों के अंदर। अगला क्वेश्चन, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? लघु उपक्रम की बात कर रहा है, तो लघु उपक्रम में 5 करोड़ तक की मशीनरी लगाई जा सकती है, यानी कि 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का प्लांट जो है लघु उपक्रम की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं जिसमें पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्थान की साझेदारी योजना है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, भाखड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, ब्यास परियोजना, या दिए गए सभी हैं। इन सभी के अंदर राज्य ने विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों से जो है अपनी योजना में साझी है राजस्थान उन योजनाओं के अंतर्गत, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिए गए सभी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? नंबर एक ऑप्शन, सहकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, दूसरा ऑप्शन सहकारी स्वामित्व के लिए बिजली घरों का निर्माण करना या क्रियान्वयन और संधारण करना, पहला और बीस, दूसरा दोनों, या न पहला न ही दूसरा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर सही है वो है सी नंबर का, पहला और दूसरा दोनों ही तथ्य सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो यादव राजवंश से संबंधित शासक जो है वो कछवाहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अजमेर शहर का संस्थापक कौन है, बताइए नाम, बताइए अजमेर शहर के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्णोराज, अजयराज, अजयपाल या पृथ्वीराज, कौन है अजमेर के संस्थापक? तो दोस्तों अजयराज जो है ये अजमेर के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? तो मेवाड़ के इतिहास का मैराथन जो कहा जाता है वो दिवेर का युद्ध कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को, जो कि मुगल सेनापति और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बीच हुआ था, दिवेर का युद्ध, इसे राजस्थान का मैराथन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, किस समाचार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? इसका उत्तर तो मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि वो प्रताप समाचार पत्र था। प्रताप समाचार पत्र एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कानपुर से होता था, कानपुर उत्तर प्रदेश से इसका प्रकाशन होता था, और इसके जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ये सभी बातें प्रताप समाचार के बारे में महत्वपूर्ण हैं, और ये सभी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रताप समाचार पत्र का संपादक का नाम भी पूछा जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका प्रकाशन भी पूछा जाता है, कानपुर उत्तर प्रदेश से होता था। इसके साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इस समाचार पत्र ने बिजौलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बना दिया था, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ किया गया था? दोस्तों, आजाद मोर्चे का जो गठन किया गया था वो जयपुर के अंदर किया गया था। जयपुर के अंदर आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की रियासत के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? दोस्तों, ये जोधपुर के महाराज बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में। इसका मुख्य कारण है, जोधपुर के महाराज सही उत्तर है हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह या हनुमंत सिंह नाम था वैसे इनका, पर हनुमंत सिंह जो है जोधपुर के शासक थे, और ये को एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि ये जो है जोधपुर रियासत को भारत में विलय न करके पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। पाकिस्तान में दो रियासत भारत से विलय होना चाहते थे, एक तो टोंक रियासत और एक जोधपुर रियासत। ये जो है पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे, इसलिए इनको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नाम याद रखना, स्वतंत्रता के समय हनुमंत सिंह पाकिस्तान जाना चाहते थे। हनुमान सिंह, हनुमान जी अल्लाह के पास जाना चाहते थे, न कि राम को छोड़ के ही अल्लाह के पास जाना चाहते थे, इसलिए इनको बहुत पूछा जाता है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो दोस्तों, मराठी भाषा का प्रभाव राजस्थान की मूलतः किसी बोली पर नहीं, और लेकिन मालवी बोली जो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रभाव है जिसका, तो मालवी बोली पर, मारवाड़ी बोली का जो है मराठी बोली का प्रभाव देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो आइए करते हैं सही युग्मों को सुमेलित। पहला है नेजा, इंदौनी, तेरह ताली और बालय। तेरह ताली की तो आप सबको पता होना चाहिए कि कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तेरह ताली। वालर, वालर जो है गरासिया जनजातियों के द्वारा की जाने वाली एक स्थानांतरित कृषि है। इंडोनी का संबंध कालबेलिया से है, और नेजा भीलों से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? बताइए, किशनगढ़ में, सलेमाबाद में, सालासर में या खेड़ापा में? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ, तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है सलेमाबाद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, झेला, झमेला, पीपल पन्ना और अंगोट्या किस अंग के आभूषण हैं? ये आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? बताइए, झेला जिसे लोकल भाषा में झाले भी कहते हैं, झाले कहाँ पहनते हैं? कानों में पहने जाते हैं। झाले, झमेला जो है कानों में पहने जाते हैं, इसी तरह पीपल पन्ना और अंगोट्या भी कानों के आभूषण हैं। ये सभी महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा जो है कानों में धारण किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, जयपुर का परंपरागत शिल्प है, जयपुर में किस तरह की कारीगरी जो है परंपरागत तौर पर की जाती रही है? तो दोस्तों ब्लू पॉटरी का संबंध जो है जयपुर से आता है, और जयपुर की एक पुरानी कला रही है ब्लू पॉटरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? तो राजस्थान में भामाशाह योजना का प्रारंभ जो हुआ है वो 2008 में हुआ था। 2008 में राजस्थान के अंदर भामाशाह योजना का प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2012 में रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार से जोड़ने के लिए कौन सा उद्देश्य पारित किया गया था? बताइए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, या रेगुलेटर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? दोस्तों कौशल विकास योजना की तो वो कह ही रहा है कि कौशल विकास योजना को किस कार्यक्रम से जोड़ के शामिल किया गया था, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। बचे दो ऑप्शन ऊपर के, इनमें से जो सही और सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? बताइए, मुख्यमंत्री ग्राम आदर्श योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसके तथ्य पढ़ लेते हैं। पहला तथ्य, इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास का की परिकल्पना की गई है। हाँ जी, की गई है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों को पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा की भावना आदि पैदा करना है। ये भी सही है। इसमें ग्रामीण समुदायों की सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है। ये भी सही है। और यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है। इसका योजना का संबंध मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम से नहीं है। आदर्श ग्राम योजना से ग्राम के उत्थान का समय है, वो है ग्राम में विकास का समय है, न कि सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन या साख उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष संशोधित किया गया? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को जो संशोधित किया गया है वो 1994 के अंदर किया गया, 1994 को इसका संशोधन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना था? ये क्वेश्चन अब आपके लिए नहीं आएगा, ये आंकड़े पुराने पड़ गए। इसका सही उत्तर है 35.30। अगला क्वेश्चन, महाराजा श्री उम्मेद सिंह मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? महाराजा श्री उम्मेद सिंह मिल, ये एक कताई मिल थी, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है ये जो है कब स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये आजादी से पूर्व 1947
39 ईस्वी के अंदर स्थापित की गई थी। प्रमुख मिल जो है सूती वस्त्र उद्योग की जो प्रमुख इकाइयां हैं वो आजादी से पूर्व काफी इकाइयां स्थापित हो गई थी, उनमें से एक इकाई जो है श्री उम्मीद मिल्स लिमिटेड भी है। अगला क्वेश्चन, समन्वित जल प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तन करके कर दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन तीसरे मॉडल पेपर में लगातार आ रहा है। इस योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। इससे पिछले क्वेश्चन में रूप बदल के आया था, उससे पहले पेपर में भी रूप बदल के आया था। सबसे पहले पेपर में पूछा गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है, तो 3 योजनाओं को शामिल किया गया था। उन 3 योजनाओं में से एक योजना यह है समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को जो है प्रधानमंत्री जल ग्रहण योजना के अंदर समाहित किया गया था। अगला प्रश्न, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुए थे? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है 1973-74 से प्रारंभ हुए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या था? दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है बताइए, आप कमेंट करके बताइए इसका क्या उत्तर है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्तीय अंश का क्या ये अनुपात रहा था। दोस्तों इस क्वेश्चन का वर्तमान परिप्रेक्ष्य से सही उत्तर 75-25 है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, भर्ती बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। मरुस्थान विकास कार्यक्रम के लिए वर्तमान में केंद्र और राज्य के बीच में जो अंशदान चल रहा है वो 75% केंद्र पैसा खर्च करता है और 25% राज्य पैसा खर्च करता है इसके लिए, मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए वर्तमान में यह कर रहा है। और कब से कर रहा है? 1991 से 1991 से यही अंशदान लगातार चला आ रहा है, यानी कि लगभग 30 वर्ष से यही अंशदान चला आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन पर विवाद उठा था लास्ट में, क्वेश्चन के अंत में था शब्द पर, इसमें लिखा था वित्तीय अंश का अनुपात क्या था। अगर यह क्या है होता तो कोई विवाद नहीं होता, क्या था का मतलब यह है इससे पहले, यानी कि 1991 से पहले इसका अनुपात अलग था, तो इस क्वेश्चन पर विवाद हो गया, क्योंकि था भूतकाल की बात हो गई और भूतकाल तो कभी भी हो सकता है, चाहे 30 साल पहले हो या 300 साल पहले हो, भूतकाल तो भूतकाल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन पर विवाद उठा था और रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन डिलीट किया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 75-25। अगला क्वेश्चन, पिंक बॉलबर्ग हाल ही में खबरों में था, निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? बताइए पिंक बॉल वर्म किस फसल के लिए हानिकारक रोग है? तो यह है कपास की खेती के लिए, इसका सही उत्तर है कपास। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से निम्न में से कौन से मानक के ऑटोमोबाइल लागू हुए? दोस्तों दिल्ली में क्या है, अब तो पूरे देश में लागू हो गया है, शुरुआत दिल्ली से हुई थी 1 अप्रैल 2018 से, दिल्ली में नहीं सॉरी एनसीआर में लागू हुआ है अभी, तो BS6 के जो वाहन है यही चल सकते हैं, BS6 दिल्ली और एनसीआर वाले एरिया, इनमें से राजस्थान के 2 जिले आते हैं एनसीआर में, भरतपुर और अलवर, तो यहां भी ये मानक लागू है। भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध किससे है? L1 आदित्य, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, तो इसका संबंध भी सूर्य से है।
अगला प्रश्न, भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस किस भारतीय कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये टाटा कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई थी पहली जैव मीथेन आधारित बस। सही उत्तर हो जाएगा टाटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार वर्ष माना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बीसियों बार आया है, अब तक बीसियों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखें। वर्ष 1999 2000 को जो है आधार वर्ष माना जाता है, इसके आधार पर थोक मूल्य वृद्धि की कैलकुलेशन की जाती है। तो इसका सही उत्तर है 1999 2000 को थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना जाता है, और 1999 2000 से लेके अब तक ये क्वेश्चन बीसियों एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? अविका कवच बीमा योजना का संबंध भेड़ों की अप्राकृतिक मृत्यु होने से है। भेड़ अप्राकृतिक मृत्यु में भेड़ मर जाएं, यानी किसी महामारी से, किसी बाढ़ में आकर, या किसी मकान गिर जाए उसमें आके इस तरह अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए, तो भेड़ों के लिए ये बीमा योजना है अविकार कवच बीमा योजना। केंद्रीय सिंचाई शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया था? तो ये दिया था राजस्थान को। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए करें जो केंद्र से पुरस्कार के एवज में हो और उसमें राजस्थान का एक नाम हो, क्योंकि हम राजस्थान का पेपर दे रहे हैं, तो मोस्टली बहुत ज्यादा संभावना होती है कि उसका उत्तर राजस्थान ही हो। अगर आपको नहीं भी पता हो तो राजस्थान पे मोहर लगा के आ जाना, हो सकता है 80% केसेस में या 90% केसेस में आपका उत्तर सही हो जाए और आपका तुक्का सही बैठे। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है कि ये पुरस्कार कौन से राज्य ने जीता, और क्योंकि आप राजस्थान के एग्जाम दे रहे हो तो ज्यादा संभावना है कि वो एग्जामिनर जो है राजस्थान के बारे में ही इस तरह से पूछता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ है? तो दोस्तों भारत का प्रथम स्किल विश्वविद्यालय भी राजस्थान के अंदर ही खोला गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया था? तो ये अजमेर जिले के अंदर किया गया था। इसका सही ऑप्शन है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वराज स्वरोजगार योजना में योग्य परिवारों को 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर, तो मैं क्वेश्चन में ही बोल गया, 50,000 रुपये होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइन के पात्रों का कार्य कर रहा है? तो मिट्टी के डिजाइनों का कार्य करने वाला कलाकार जो है वो है ओम प्रकाश गालब। यूं तो मिट्टी से जो है बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर इनको पुरस्कार मिला हुआ है राज्य राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए इनका नाम ज्यादा पूछा जाता है, ओम प्रकाश गालब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक चिन्ह मोर है? मोर कहाँ का प्रतीक चिन्ह है? भीलवाड़ा का। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 50,000, 51,000 रुपये दिए जाते हैं।
सही उत्तर क्या है? 51,000 ये क्या? 88। बताइए उत्तर। 51,000 ही होना चाहिए, 51,000 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देव नारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया था? तो देव नारायण पैनोरमा योजना का शिलान्यास किस जिले में किया गया था? सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। देवनारायण पैनोरमा का जो शिलान्यास किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भीलवाड़ा में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर, कहां पर है? तो दोस्तों ये है बीकानेर के अंदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत के सांख्यिकी सब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए गए हैं? तो 2007 के आंकड़ों के अनुसार 15 राज्यों में 33% से अधिक वन थे, लेकिन वर्तमान में 2020 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल मिला के जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो मात्र 10% है, 10% है। और 2017 से 2019 के मुकाबले 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनाच्छादित क्षेत्रों में राजस्थान के अंदर। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? बताइए। दो राष्ट्रीय उद्यान पहले से थे, एक 1980 में घोषित हुआ था, दूसरा 1981 में घोषित हुआ था, लेकिन तीसरा राष्ट्रीय पार्क, तीसरा नेशनल पार्क किसको बनाया गया था? तो मुकंदरा हिल्स को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 9 जनवरी 2012 को मुकंदरा हिल्स को राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कत्था किस वृक्ष का वृक्ष से निकाला जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी हम मॉडल पेपर्स के दौरान कर चुके हैं कि कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है। तो कत्था जो है खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, खैर के वृक्ष से। और खैर के वृक्ष जो है चंबल नदी बेसिन में, प्राचीन काल में चंबल नदी बेसिन के अंदर बहुत ज्यादा होते थे। सर्वाधिक खैर के वृक्ष जो है चंबल नदी बेसिन में, चंबल नदी के किनारे पे होते थे, लेकिन वर्तमान में जो है दक्षिणी राजस्थान, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति की जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या कौन सी है? वो है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन नंबर दो पे पूछा है क्वेश्चन वाले ने, एग्जामिनर ने हमसे नंबर दो की जनगणना, दो की जाति पूछी है। तो नंबर दो जनसंख्या के आधार पर जो जनजाति है वो है भील जनजाति। भील जनजाति जो है राजस्थान में जनसंख्या के लिहाज से दूसरी बड़ी जनजाति है मीणा जनजाति के बाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो दोस्तों राजस्थान में मुख्यतः पशु जो है दूध के लिए पाले जाते हैं, तो इसका सही उत्तर दूध हो जाएगा। मांस के लिए पशु राजस्थान में बहुत कम पाले जाते हैं, अंडे के लिए फिर भी मुर्गे पाले जाते हैं, मुर्गा पालन किया जाता है, चमड़े और मीट के लिए बहुत कम पशु पालन किया जाता है।
दूध के लिए जो है सर्वाधिक पशुपालन राजस्थान के अंदर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न में निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया था? तो 1971 में एक तकनीकी रिपोर्ट आई थी भूगर्भ जल सर्वे की, तो उसमें कौन से जिले को शामिल नहीं किया गया था? तो उसके अंदर जहां पे हमारा आज के डेट में सर्वाधिक पानी पाया जाता है यानी कि उदयपुर, उसको शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में एक ही स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, पूरे भारत में पूरे विश्व में एक ही जगह पर वृक्ष मेला लगता है, ये आपको पता होगा, आप ध्यान रखें, खेजड़ी ग्राम के अंदर लगता है जोधपुर जिले में। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष यहां पर मेला लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, खत्म हो गए हमारे प्रश्न। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये इस तरह की लाल बटन होगी, इस लाल बटन पर क्लिक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में दिए हुए इस प्रकार के घंटी वाले आइकॉन पर भी क्लिक करके जो है घंटी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फेसबुक अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज़ करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप तो सब लोग यूज़ करते ही करते हैं, उन पर भी शेयर करें। दोस्तों हमें मोटिवेट करें, आपके शेयर से आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपने हमारा साथ दिया, हमारा वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।